100% हटा के छोड़ेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, भिड़ेंगे, जो भी करेंगे उसका जवाब जैसे ये करेंगे हमारे साथ में ऐसे देंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे, हमने अपनी वाटर कैनन पीछे बना रखी, हमारे अपनी वाटर कैनन लेके आ रहे हैं। टकराव ये करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर डंडा चलाएंगे तो बाद में हमें चलाना पड़ेगा। हम तो रोड जाम करेंगे, चारों तरफ से दिल्ली का सांस बंद करेंगे, तो हमारी बात को पता, इनको पता चलेगा कोई धरना देने आया है। ये डर, जब बिहार में चुनाव हुआ था, एक एक गिलास की रैली हो रही थी, उस टाइम मोदी को डर नहीं लगता था? कल योगी एक एक गिलास की रैली हुई है, की भीड़ थी रैली में हैदराबाद में, उस समय कोरोना नहीं था, कोरोना नहीं फैल रहा था, कल कोरोना नहीं फैला, आज कोरोना फैलेगा, हमें कोरोना नहीं होगा। कोरोना से मरेंगे तो मर जाएंगे, भूखे मरने से तो कोरोना से मर जाए वही सही है। दिल्ली में घुसेंगे जी, पीछे और हमारे आदमी बहुत आ रहे हैं, शाम तक नहीं सुबह तक बिल्कुल दिल्ली में घुसेंगे। यहाँ पे काफी बैरिकेटिंग है और पुलिस खड़ी है बहुत। जितने भी बैरिकेटिंग है जी, हमारी पूरी तैयारी है, पीछे से कम 10,000 लोग आ रहे हैं, शाम तक पहुँचेंगे, सुबह तक पहुँचेंगे, जितनी भी इनकी तैयारी है सारी तैयारी को आसपास कर देंगे। ये जो कानून है, क्या पीछे हटेगी सरकार इससे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल हटा के छोड़ेंगे जी, 100% हटा के छोड़ेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, भिड़ेंगे, जो भी करेंगे उसका जवाब जैसे ये करेंगे हमारे साथ में ऐसे देंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे, हमने अपनी वाटर कैनन पीछे बना रखी, हमारे अपनी वाटर कैनन लेके आ रहे हैं। हमारे पे अगर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता, हम खुद उसी हिसाब से इनको जवाब देंगे। टकराव हो जाएगा, टकराव ये करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर डंडा चलाएंगे तो बाद में हमें चलाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के करेंगे, अगर नहीं, अगर शांतिपूर्व के साथ में ये टकराव करेंगे तो हमारी मजबूरी है। लेकिन सर एक बात, हम लड़ने नहीं आए, हम अपने हक मांगने आए इनसे। लेकिन सर एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि आपके लिए ये बहुत अच्छा कानून है, सहूलियत मिलेगी आपको, और आप कह रहे हैं कि हमारे विरोध में है। बिल्कुल हमारे विरोध में है, हमें समझाते, हमें बैठा के क्यों नहीं समझाते कि ये हमारे लिए अच्छा है, हमें पता तो चले। MSP हमारी खत्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारा मंडीकरण खत्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें बताएं तो सही, ये कैसे अच्छे हैं हमारे कानून, ये कैसे खराब है? तो देश भर के और किसान क्यों नहीं दे रहे? सरकार कह रही है अगर इससे दिक्कत है तो सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान इसके खिलाफ। हरियाणा और पंजाब कुछ, वेस्ट यूपी को, एक मिनट भाई साहब, हरियाणा, एक मिनट, हरियाणा यार, एक हरियाणा, पंजाब और कुछ वेस्ट यूपी को MSP का लाभ मिल रहा है, उनको आज परेशानी है, वही यहाँ पे पहुंचे हैं। इससे आगे जिनको MSP का लाभ नहीं मिल रहा, वो बेचारे परेशान नहीं हो रहे? उनको तो पहले ही नहीं मिल रहा, बिहार में नहीं मिल रहा और किसी एरिया में नहीं मिल रहा, पंजाब, हरियाणा, कुछ वेस्ट, मुजफ्फरनगर या यहाँ तक बरेली सुरली तरफ इनको कुछ लाभ मिल रहा है। वो भी क्या, हम हरियाणा में जाके अपनी फसल बेच लेते हैं, जब इनकी MSP छिनेगी साथ में हमारी भी छिन जाएगी। सर प्रधानमंत्री कह रहे हैं MSP रहेगी तो कानून में लिखते क्यों नहीं, लिख के दे में, लिख के दे में कि MSP खत्म नहीं होगी। जवान पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल जवान पे विश्वास नहीं। 15 लाख कहाँ दिए? 15 लाख कहाँ दिए? कैसे विश्वास कर ले? हम किसानों की सिर्फ मांग है, हम किसानों की सिर्फ एक मांग है। इनका कहना है कि जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं ये किसानों के पक्ष में, अगर पक्ष में होते, 1950 रुपए गेहूं का भाव है आज, आप पूरी यूपी में कहीं भी चले जाइए, 1650 1600 और 1500 से ज़्यादा गेहूं नहीं खरीदी जा रही। मूंजी का भाव 1888 रुपये ए ग्रेड का बताया गया है सरकार के द्वारा, बिल्कुल नहीं खरीदे जा रहा, 1200 रुपये 1100 रुपये हमारी मूंजी बिक रही है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि अगर ये कानून हमारे लिए अच्छे हैं तो हमें ये लिख के दिया जाए कि 1888 रुपये मूंजी खरीदी जाएगी, अगर जो इससे कम लेगा उस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, सब चट्टे पट्टे मिले हुए हैं, ये जितना पैसा है हमसे 1100 रुपये खरीद कर खुद अपने खातों में 1888 रुपये तोलते हैं ये। लेकिन सरकार कह रही है कि आपको गुमराह कर दिया विपक्ष ने, आप सड़कों पे उतर गए। किसने गुमराह करा हमें? बिल्कुल पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं सारे, हम सब पढ़े लिखे हुए हैं, कोई गुमराह नहीं हो रहा, हम अपना भला बुरा सब जानते हैं। मैं लोग का स्टूडेंट हूँ, MCOM किया हुआ हूँ, ठीक है, हमको कोई नहीं भड़का सकता, ना हमारे कोई पॉलिटिकल पार्टी से हम रिलेटेड नहीं है, किसान नाम हमारा एक ही धर्म है, हम किसान हैं।
लेकिन वो लेकिन कोई लीडर दिखाओ तो सही पार्टी में, कोई लीडर हमने घुसने नहीं दिया। हम तो मीडिया का धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी जो इतनी कवरेज दिखाई, हम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लग रहे होंगे, लग रहे होंगे। अगर 100 में कोई एक असामाजिक तत्व, अगर 100 आदमियों में एक असामाजिक तत्व क्या पता सरकार के द्वारा छोड़ा गया हो, वो हमारे बीच बढ़ गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि 100 के 100 आदमी पाकिस्तान का नारा लगा रहे होंगे। उनके भेजे होंगे, उनके खुद के भेजे होंगे, लगवा रहे होंगे, आदमी नहीं लगा रहा है। लेकिन सरकार पहले से कह रही है कि पंजाब के किसान सिर्फ सड़कों पे उतर रहे हैं, अब तो यूपी के किसान भी सड़कों पे आ गए, तो क्या लग रहा है बात मानेगी आपकी? बिल्कुल माननी पड़ेगी जी, अब ना मानेंगे 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में 6 साल में कभी तो मानेंगे। हमारे पास पूरी व्यवस्था है, बिल्कुल। हम आज 20 आए हैं, इनका काम है 20 जाएंगे, कल को 50 आएंगे। हाथ नीचे करिए, बिल्कुल बिल्कुल माननी पड़ेगी इनको। लेकिन सरकार ने आपको निरंकारी जो मैदान है वो दे दिया, वहाँ जाकर बैठे और वो कह रहे हम बात करने आएंगे। निरंकारी मैदान में हम क्यों जाएं? हमारी तो आवाज दबाने के लिए वहाँ एक साइड पे बैठे रहेंगे, क्या करना निरंकारी मैदान पे? मतलब उसमें बिल्कुल आवाज एक साइड पे करने के लिए है, कौन पूछेगा हमें? हम तो रोड जाम करेंगे चारों तरफ से, दिल्ली का सांस बंद करेंगे, तो हमारी बात को पता, इनको पता चलेगा कोई धरना देने आया है? सर दिल्ली में महामारी है कोरोना की, डर नहीं लगता आपको? ये डर जब बिहार में चुनाव हुआ था, एक एक लाख की रैली हो रही थी, उस टाइम मोदी को डर नहीं लगता था? कल योगी एक एक लाख की रैली हुई है, भीड़ थी रैली में हैदराबाद में, उस समय कोरोना नहीं था, कोरोना नहीं फैल रहा था, कल कोरोना नहीं फैला, आज कोरोना फैलेगा? हमें कोरोना नहीं होगा, कोरोना से मरेंगे तो मर जाएंगे, भूखे मरने से तो कोरोना से मर जाए वही सही है। ये तो एक बहाना है, हैदराबाद आ गए हम दिल्ली में, और इस कोरोना को महाराष्ट्र का बॉर्डर पार करवा के जाएंगे। जब दिल्ली में किसान आ गए अपने हक लेने के लिए, जाएंगे किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन। लेकिन सर एक बात बताइए, सरकार जब इस तीनों कानूनों को लाई है, उनका एक ये बात भी कहनी है कि आपकी आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी, कैसे कर देंगे आय दुगनी हमारी? तो किसान हमारी तो MSP छीन रहे हैं, आय दुगनी कर रही, जो हमारा है थोड़ा बहुत वो भी छीन रहे हैं। आप जो बार बार सरकार का जो पक्ष रख रहे हैं, आप जो है ये किसान जो कह रही, नहीं नहीं अभी आप जो सरकार कह रही है ना, सरकार तो कभी किसी को आतंकवादी बताती है, किसान है ये अन्नदाता, पूरे संसार को, पूरे भारत को अन्न खिलाने का काम कर रहा, पेट भरने का काम कर रहा, आपको भी ये अन्नदाता ही अन्न देता है। जो सरकार की कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क है कि आज इन किसानों को जो अपने हक के लिए आए हैं, जो तीन काले कानून जो गवर्नमेंट ने थोपे हैं किसान के ऊपर, क्या कोई किसान का नुमाइंदा कोई उनके बीच में आया, किसी से पूछा? नहीं पूछने की जरूरत समझी, अगर पूछा उन्होंने तो दलालों से और ये बीच के जो मीडिएटर है ना उनसे बात करके। आप भी किसान हैं? हम भी किसान हैं, और लड़ाई हम नोएडा से आए हैं, हम गौतम बुद्ध नगर से आए हैं, लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं लिए जाते या हमारी MSP निर्धारित नहीं की जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बाकी आप कभी, लेकिन सरकार का रवैये से लग नहीं रहा वापस लेगी? नहीं, सरकार तो रवैया 70% किसान है भारत में, राजस्थान में उखाड़ फेंका। आज कोरोना की जो बोली बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, बिहार में चुनाव था जब कोरोना कहाँ चला गया था, जब उनको सुला दिया था या कोरोना को टेलीफोन कर दिया था या धारा 144 लगा दी थी कोरोना के ऊपर, अब तू अंदर नहीं आएगा, किसान में से बदबू आती है दिल्ली के अंदर, जो किसान को एंट्री नहीं करने दे रहे, किसान में से बदबू आती है, उस किसान में से जिसका अन्न खा करके वो जीवित है। इनको भगवान सद्बुद्धि दे, किसान को बरगलाने की कोशिश ना करें और किसान को भड़काने की कोशिश ना करें, अन्यथा देश 70% किसान बता रहे हैं तो वो तो सड़कों पर दिख नहीं रहा 70% का। बिल्कुल सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी तैयारी 70% किसान रोड पे है, अगर आप बैठे हैं ना यहाँ पे देख रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल को खोलिए, जगह जगह किसान कर रहे हैं। जिस दिन ऐलान हो गया ना हमारे राष्ट्रीय शिकायत ने, जिस दिन ऐलान कर दिया अगर राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन है, उस दिन हिंदुस्तान चलेगा नहीं। तो ये राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन नहीं है, चल रहा है, अभी चल रहा है, किसान बाहर निकल चुका है पूरा, अब आ रहा है। इन्होंने एक तारीख जो पंडित से निकलवा के, राम मंदिर बनाने की तारीख पंडित से नहीं निकलवाई, किसान की वार्ता की पंडित से एक तारीख निकलवाइए कि किसान मरे जाड़े में या जिंदा रहे, 3 तारीख को हम वार्ता करेंगे। और मैं कल रात TV देख रहा था,
लाइव देख रहा था उनको अमित शाह जी को, तो हमारे अमित शाह जी कह रहे थे अब जाके एक जगह ये सारे किसान इकट्ठे हो जाए और दिल्ली को रास्ता खाली कर दे, तब हम अगले दिन आकर के वार्ता करेंगे। देखिए जो 70% किसान है, जो ताकत है उससे शर्त लगा रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य है इस देश का, गृह मंत्री शर्त लगा रहे हैं, उस किसान से शर्त लगा रहे हैं और क्या करें, एक जगह कोरोना आए तो किसान का खाए, भाई तुम सेफ रहो। ये कैसी कैसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कभी किसी को आतंकवादी बताते हैं, किसी को टेररिस्ट बताते हैं। शर्म आनी चाहिए मिस्टर खट्टर को, शर्म आनी चाहिए जो कृषि प्रधान प्रदेश के मुखिया हैं मिस्टर खट्टर, उन्हें शर्म नहीं आती। सर देश के किसान ऐसे सरकारें चुनते क्यों हैं बताइए, उसमें भी सरकारों ने पहले भी जो रही हैं सरकारें उन्होंने भी किसान का भला नहीं किया। मोदी की तरफ देख के जो उन्होंने वादे किए थे, इन वादों जनता वादों में आती है, जो मैनोफेस्टो दिखाते हैं ये उस मैनोफेस्टो में आ गया किसान, और इसको दो दो बार चुन करके बीच में अब एक शर्त लगाता है 2022 में किसान की आय दोगुना करेंगे। जो 2022 से जो पहले किसान मिले मरेगा उसकी गारंटी ले सरकार, उसकी गारंटी ले सरकार। 2022 का इंतजार कर लीजिए ना अच्छा जिसको मरना, जिसको बीमारी आज लगी है, जिसको बीमारी आज लगी है उसका ट्रीटमेंट करेंगे 2022 में। कैसी सरकार है, अपने आप दुगनी हो जाएगी, वो सही कह रहे हैं, सदबुद्धि है उन्होंने कहा कैसी दुगनी हो जाएगी। जब 2022 में किसान आधा रह जाएगा, अगर 100 किसान में बांटा गया 50 किसान मर जाएगा 2022 तक, तो अपने आप ही आय दुगनी कर देंगे वो। जब किसान ही नहीं रहेगा तो आय तो खुद ही दुगनी है, फिर दुगनी आय का क्या करना है जब किसान नहीं रहेगा। सरकार की पॉलिसी ये है, दूसरी पॉलिसी सरकार की नहीं है, वो किसान को तोड़ के खत्म करके और अपने जो अध्यादेश इन्होंने जो पूंजीपतियों के बहकावे में आकर जो अध्यादेश, अरे क्या कितना ये जनता जो आप देख रहे हो, आप मीडिया कवरेज कर रही है, मैं तो मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज दिखा रहे हैं कितना बड़ा है, कितनी बड़ी मांग है। MSP को निर्धारण करके कानून बनाया जाए, इतनी बड़ी मांग ये पूरी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब इसकी इनकी करनी में और इनकी कहनी में और कटनी करनी में खोट है, बहुत बड़ा खोट है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा है।